उसकी नाक के नीचे खुला घूम रहा है चोरी करने वाला आरोपी। आए दिन हमारे यहाँ वारदातें होती रहती हैं। ऐसी एक मामला सामने आया है मोदी नगर में चोरी का, जिसमें चोर के सामने होते हुए भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसान पीड़िया समाचार पत्र के संपादक और मिशाल फ्लैक्स पेंटिंग कंपनी के मालिक ने तहसील दिवस में मुख्यमंत्री नाम पर शिकायत पत्र देकर चोर और चोर के साथी के खिलाफ की गई एफआईआर को वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी दी है। बता दें कि किसान पीड़ा समाचार पत्र में संपादक और मिशाल फ्लैक्सन पेंटिंग के मालिक कृष्णपाल सिंह का बस स्टैंड स्थित गांधी मार्केट की दुकान नंबर 5152 समाचार पत्र एवं फ्लैक्स पेंटिंग कंपनी का कार्यालय है। कृष्णपाल सिंह ने 12 अक्टूबर 2017 को अपने कार्यालय के बाहर रखी लकड़ी के फ्रेम व फ्लैक्स बोर्ड चोरी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। कृष्णपाल ने मामला दर्ज कराते हुए सबूत के तौर पर पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सीडी भी दिखाई थी, जिसमें आरोपी संजय तिवारी फ्रेम ले जाते हुए इस पर दिखाई दे रहे थे, जिसके आधार पर स्थायी पुलिस ने चोरी के आरोपी संजय तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 369/1860 दर्ज कर ली थी। और अब कृष्णपाल सिंह की शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि करीब 4 माह बीत जाने के बाद भी स्थायी पुलिस ने चोरी के आरोपी संजय तिवारी के खिलाफ न तो कोई चार्जशीट दाखिल किया और न ही उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया है। कृष्णपाल सिंह ने पत्र में मामले की जांच कर रहे एसएसआई देवेश कुमार शर्मा एवं अन्य पुलिस कर्मियों पर चोरी के आरोपी संजय तिवारी का सहयोग करने व मामले को रफा दफा करने के साथ फैसला करने का दावा बनाने का आरोप लगाया है। कृष्णपाल सिंह तहसील दिवस पर 3 फरवरी 2018 को मामला वापस न लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है और इसी की शिकायत दर्ज करते हुए कृष्णपाल 4 फरवरी 2018 को कोतवाली में तहसील दी थी। बता दें कृष्णपाल ने बताया कि 4 फरवरी को जब वो घर जा रहे थे तो आरोपी चोर और उनके एक साथी ने उन्हें मार्केट की सीढ़ियों पर रोक लिया था और जान से मारने की धमकी देते हुए रिपोर्ट वापस लेने की धमकी दी और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की। इसी सब को देखते हुए और आरोपी के रवैये से परेशान होकर तहसील दिवस में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर एक शिकायत पत्र देकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए पास ही के थाने में धरना प्रदर्शन किया। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।